यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, इस प्रकार बना बहिष्कोण, दोनों अंत अभिमुख कोणों के, दोनों अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, सिद्ध करें, योग के बराबर होता है, सिद्ध करें। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। देखिए एक आपको त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज का नाम है ए बी और ए सी, ठीक है। क्या आपको दिया हुआ है, ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ है और इसको बोल रहा है बी सी को आई बिंदु बढ़ाया गया है, डी बिंदु बढ़ाया गया। मान लीजिए यहाँ आपको पता लगा रहा है, प्रूफ करना है, ये कौन बना है बहिष्कोण ए सी बी, ये क्या है बहिष्कोण है। एक कोण जो होगा इसके, इसको छोड़ दीजिए, अभिमुख दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। एक काम करते हैं, इसका नाम एक देते हैं, इसका दो देते हैं, इसका नाम तीन देते हैं, इसका नाम चार देते हैं, ठीक है। अब यह देखिए ध्यान से किस तरह लिखना है, अरे समय के बाद में लिखेंगे, है ना। दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी को आगे की ओर बी बिंदु तक बढ़ाया गया है। आपको यहां पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, कैसे करना है आपको, ए सी डी, ए सी डी बराबर कोण बी ए सी जोड़ कोण ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब हम यदि देखते हैं प्रमाण, इस तरह प्रूफ करते हैं हम लोग। अब बताइए अभी आप लोग पढ़ाए, हम आप लोग क्या पढ़ाए, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी में अब तक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, एक अस्सी, कोण एक जोड़ कोण दो जोड़ कोण तीन बराबर एक अस्सी होता है, ठीक है। ऐसे नहीं समझ लो, अब आगे देखिए यहाँ पर कोण एक जोड़ कोण दो बराबर उस साइड क्या हो जाएगा एक अस्सी माइनस कोण तीन, क्या मान लेंगे समीकरण एक, उसको ऐसे ऐसे करते हैं। अब बताइए अभी हमको एक रेखा है, सब रेखा है ना, उस पर एक खड़ी है और खड़ी है एसी खड़ी है, ऐसे लिखिए क्योंकि एसी रेखा बीडी पर क्या है आधारित है, आधारित है। आपको पढ़ाया गया है इस पर आधारित है, मतलब रेखी कोण का योगफल कितना होता है कोण तीन जोड़ कोण चार बराबर एक अस्सी, ठीक है भाई। अब बताइए इसीलिए कोण चार बराबर हम क्या ले सकते हैं एक अस्सी, तो इसमें उस साइड कितना हो जाएगा माइनस नहीं समीकरण दो। अब देखिए ध्यान से कोण एक और दो को देखो, कोण एक में बराबर उस साइड कितना है एक सौ अस्सी माइनस कोण तीन, क्या कितना है एक सौ अस्सी माइनस कोण तीन है। अब समीकरण एक और दो को देखते हैं, समीकरण एक एवं दो से एक और दो को देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए एक सौ अस्सी माइनस थ्री, एक सौ अस्सी माइनस थ्री है, ये बराबर ये है तो क्या ये बराबर वो होगा और ये कोण एक क्या हो जाएगा कोण एक जोड़ कोण दो बराबर कोण चार। अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर कोण एक, कोण एक को क्या ले सकते हैं बी ए सी, बी ए सी प्लस कोण दो क्या लेंगे ए बी सी, ए बी सी और कोण चार, कोण चार को लेंगे ए सी ए सी। आपको देखिए कैसे करना है, यहाँ पर ए सी के बराबर बी ए सी प्लस ए बी सी, तो इसको आगे ले आइए आप, ए सी डी बराबर बी ए सी प्लस ए बी सी, ये हो गया आपका।